अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, आज मैं अपनी आपबीती आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि मुझे इटली में डॉक्यूमेंट्स किस तरह मिले, कितना टाइम लगा, और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के जो पेपर हैं वो किस तरह अप्लाई किए, किस तरह पाकिस्तान से इधर बुलाया, और असाइलम जो मैंने करवाया था कौन सी सहूलियत मिली, उसके बाद जो अब बंदा जो नया आएगा उसको कौन कौन सी गवर्नमेंट सहूलियत देगी, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में अपना जो मेरी आपबीती थी, जो मेरे पे मतलब गुजरा टाइम, वो आपको साथ सुनाऊंगा, और साथ साथ आजकल का क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स कितने के टाइम में मेरे बने थे या जो नया बंदा आएगा उसको कितना टाइम लगेगा, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है जो जर्मनी से मैं इटली आया था। तो मैं दोस्तों 4.25 साल जर्मनी में गुजार के आया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने फिर कमेंट्स किए कि आप जरूर इटली के ऊपर भी वीडियो बनाएं कि आप फिर डॉक्यूमेंट्स आपको मिले किस तरह, कितना टाइम लगा। तो अगर आपने पिछली वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। और उसके साथ साथ अगर आप मेरी डंकी की स्टोरी जो है, जो पाकिस्तान से मैं जर्मनी डंकी लगाते लगाते किस तरह आया, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, ये चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। उससे पहले देख लें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर 1 मिलियन का टारगेट है अपना, इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों की सपोर्ट हुई तो जरूर पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, मैं अगस्त के लास्ट में आया था 2016 में इटली में। मेरा एक दोस्त था, मैं ट्रेन स्टेशन से मुझे वो अपने घर ले गया, और मैं अगले दिन ही जाके सुबह रात मैं 12:15 बजे इधर पहुंचा था पुरदनोने में, और अगले दिन सुबह सुबह फिर जाके मैं कस्तूरा में मैंने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद वो ना असाइलम जब अप्लाई होता तो एक पेपर देते हैं, तो उसके बाद फिर मैं 10 दिन जो है वो अपने दोस्त के घर रहा। मोस्टली जो बंदे आते हैं वो जब आते हैं किसी भी शहर में तो अप्लाई करते हैं, तो फिर अगर कोई दोस्त उनका कोई जानने वाला नहीं है उधर तो फिर वो बाहर सोना पड़ता है, मतलब कहीं भी किसी पार्क में किसी पुल के नीचे। अभी भी बहुत सारे बंदे बाहर होंगे, मैं अक्सर जब जाता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी बंदे अपने पाकिस्तानी, आजकल नेपाल के बड़े आ रहे हैं। तो जब तक रिहाइश गवर्नमेंट नहीं देती, या तो आपको कोई होटल लेना पड़ेगा, घर तो आप नहीं ले सकते बिना कॉन्ट्रैक्ट, घर नहीं मिलता ठीक है, या आपका कोई दोस्त है रिश्तेदार है वो आपको थोड़ा बहुत टाइम गुजारने के लिए दे दे। तो मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा था, 10 दिन मैंने उधर गुजारे। उसके बाद मुझे मिल गया कैंप, ना कैंप जो अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूँ, जिसमें काफी बंदे 100, 150, 200 जितनी गुंजाइश हो उस कैंप में मिल के रहते हैं। खाना शाना जो है वो गवर्नमेंट देती है, उसके बाद मंथली कोई मेरे ख्याल में 70-80 यूरो मिलते हैं। तो मुझे जनाब कैंप मिल गया, और उधर मैंने तकरीबन 2.5 माह उधर गुजारे। उसके बाद 2.5 माह के दौरान दोस्तों पीली सजोर मिल गई थी, तीसरा सनातार या जो डॉक्टरी कार्ड होता है वो मिल गया था। जो भी बंदा असाइलम करवाता है दोस्तों उसके इधर मेडिकल बिल्कुल फ्री है, जो बंदा असाइलम करवाता है ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दोस्तों देखें, जो बंदा असाइलम करवाएगा उसको 60 दिन के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी बंदे के पास काम करना चाहते हैं, आपको काम मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जनाब 2.5 माह बाद हमें मिली रिहाइश, मतलब जैसे बंदे नहीं रहते मिल के, तो इसी तरह गवर्नमेंट उन बंदों को रिहाइश देती है जो असाइलम करवाता है। जितनी घर में गुंजाइश हो, अगर 10 बंदों की जगह तो 10 बंदे रखते हैं, मतलब जितनी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है, बहुत ज़्यादा बंदे नहीं ये ठूसते। तो हमें जनाब रिहाइश मिल गई एक इधर अवियानो एक गांव है उधर, वो एक पहले होटल होता था, तो उधर रिहाइश मिली, उधर 10-15 दिन गुजारे, फिर एक और जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो वो भी एक गांव था, उधर तकरीबन हम 7-8 बंदे रहते थे मिलके।
तो अब ये था कि जो खाना था हम खुद बनाते थे कैंप के बाद ना, वो हमें ये इस तरह करते थे कि सूखा जो राशन होता है जिसमें दाल चावल आटा सब्जियां फिर इस तरह की सारी चीजें वो दे देते थे, और दूध शूध दही शही जो भी रोजमर्रा की बंदे की इस्तेमाल की चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं। सही है, बंदा बनाता खुद है। और मंथली उस टाइम तकरीबन 90 यूरो मिलते थे वो जेब खर्च के लिए, अपने कपड़े जूते कोई आना जाना, और पता है बंदे के अखराजात खाने पीने के अलावा भी होते हैं। तो इस तरह का सिस्टम था। ये दोस्तों डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट पे। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इधर जो अजील वाले बंदे होते हैं उनको आगे कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं, मतलब वो गवर्नमेंट से पैसे लेती हैं और फिर आगे बंदों को वो तकसीम करती हैं। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उनको वो पका पकाया खाना देती हैं, कुछ जो है वो कच्चा राशन जिसे जैसे हमें मिलता था इस तरह देती हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको राशन ही मिलेगा या आपको खाने मिले, ये डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट पे, डिपेंड करता है, इधर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको ना। तो ये सिस्टम होता है। फिर उसके बाद अगर आप शहर से दूर हैं तो बाज़ुकात तो प्रोजेक्ट वाले कार्ड दे देते हैं, एक बस कार्ड ना, मंथली आप आ जा सकते हैं शहर से अपने गांव की तरफ। तो मैं भी एक गांव में रहता था। तो करते कराते जनाब वीडियो इस तरह तफसील बनाई, बहुत लंबी हो जानी है। तो अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखें मुझे ना तकरीबन हो गए थे 6-7 माह ना काम नहीं था मिल रहा। उस टाइम ना इस एरिया में काम है ही नहीं था, बहुत कम काम था, मिलता ही नहीं था काम ना। जो पुराने बंदे हैं वो तो पता है आपको लग ही जाते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नए बंदे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अब सूरत हाल ठीक है, कदरे बेहतर है अब सूरत हाल। अब नया बंदा अगर आए तो उसको एग्रीकल्चर का काम मिल जाता है, अगर थोड़ी सी वो जुबान सीख ले या कोई काम आता है उसको तो फैक्ट्री में एजेंसी के थ्रू भी काम मिल जाता है। काफी बंदे इधर कैंप में रह के ना काम कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों ये हुआ कि जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो अपने ऑफिस में अक्सर बुला लेते थे, मीटिंग करते थे कि आए जी आपसे बात करनी है। वो जितने भी उनके प्रोजेक्ट के बंदे होते थे कंपनीज के अंदर जो रह रहे थे असाइलम वाले, उनको बुलाते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो औरत थी इंचार्ज ना, वो हमें बोलती है पाकिस्तान में आप रोटी नहीं मिलती आप लोगों को खाने के, इधर आपके नखरे हैं ये है वो है, हम आपको खाना दे रहे हैं, हम आपको रिहाइश दे रहे हैं, आप फिर भी इस तरह कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं, रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब वो बड़ी मतलब वो गलत बोल रही थी उस टाइम ना। तो मैं कि यार देखो आप जर्मनी में जबरदस्त लाइफ थी, इधर आ गए क्या सिस्टम है यार। तो इस तरह जनाब बड़ा मुझे उस टाइम बुरा लगा। तो वापसी फिर हम घर जा रहे थे अपनी बस पे बैठ के, तो मुझे ना दूर बेड़े नजर आई हैं। बेड़ों का एक गोल जो होता है झुंड समझ लें वो आया नजर, मैंने बेल दी है बस की, मैं उधर ही उतर गया स्टॉप पे ना। मेरे साथ वाले लड़के कहते हैं किधर, मैंने कहा माता हूँ घर ना, मैं वो बेड़ों वालों के पास चला गया। बिल्कुल जुबान नहीं थी आती उसको, बोला काम के लिए, थोड़ा बहुत समझाया, कहता नहीं मुझे नहीं काम की जरूरत। फिर मैं ऐसे ही चलता गया, आगे मुझे ना एक बाग नजर आया कीवी का, तो उधर मैं गया उससे काम पूछा। तो मुझे कहता तू कर लेगा काम, सर्दियों के दिन थे, मैंने उनको काम करके दिखाया। मुझे कहता ठीक है कल को आ जाना। जनाब काम मिल गया तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यार काम मिल गया जबरदस्त है। अब मैं प्रोजेक्ट के घर में रहता था, काम कर रहा था, जिसके पास मैं पहले काम करता था वो उनके पास थोड़ा काम नॉर्मल ही होता था। फिर उस बंदे को मैंने बोला यार किसी अच्छी जगह पे लगवा जिधर रेगुलर काम हो। फिर उसने मुझे एक और बंदे के पास भेजा जिधर मैं काम करता रहा। ठीक है, मैं इटालियन के साथ एग्रीकल्चर का काम करता रहा था। मैं आपको थोड़ा बता दूं पैसों के बारे में, जो इटालियन के साथ कोई भी काम करेगा उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं जब उस टाइम शुरू हुआ था मुझे 7.5 यूरो घंटे के मिले थे, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो उस टाइम पाकिस्तानी जो ठेकेदार है थे कोई एक आध है था, वो देते थे 4.5-5 यूरो घंटे के। सही है, कितना फर्क है आप देख लें। और
काम भी दूर दूर होता था। अगर आपने इधर से 2 घंटे की मुसाफत पे जाना है तो वो 2 घंटे के आपको पैसे नहीं मिलने नॉर्मली। अगर इटालियन के पास काम करे तो आप जिधर से वो आपको पिक करेगा उधर से लेके आपका टाइम शुरू हो जाता है, सही है? तो इस तरह सिस्टम था उस टाइम ना। अब बेहतर आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह जनाब करते कराते फिर मेरा इंटरव्यू आया, पहला इंटरव्यू आया 15 महीने बाद। अब जो बंदे पूछते हैं ना यार कितना टाइम लगेगा, क्या सिस्टम है, वो जरा देख ले, मैं अपनी आप बीती आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 15 महीने बाद इंटरव्यू आया अल्लाह करते करते करते। उसके पहले मेरे फिंगर निकल आए थे उससे पहले जर्मनी के और ऑस्ट्रिया का। आपको पता ही है जो मेरी वीडियोज पिछली जिन्होंने देखी है, मैंने ऑस्ट्रिया में मेरी अजील हो गई थी और जर्मनी में मैंने खुद कराई थी। तो वो पहले माफ करवाए फिंगर, मोस्टली वो जो है ना माफ हो जाते हैं, मतलब मसला नहीं बनता, बाजू का मसला बन जाता है, वो बुला बंदे को वापस मांग लेते हैं जिधर पहले असाइलम करवाया हो ना, डबलिन हो। ये इस पे मैंने तफसील से वीडियो बनाई, आपको मिल जाएगी आए मेरे चैनल पर ना। अच्छा, तो 15 महीने बाद जनाब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू दिया तो मतलब स्टोरी सुनाई। जज जो है वो बात मतलब कहता नहीं, सारे इसी तरह की स्टोरी सुनाते हैं। तो जनाब 6-7 माह बाद जवाब आया तो जवाब हो गया रिजेक्ट ना, मतलब उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं जी इस बंदे की स्टोरी रियल नहीं है। तो मोस्टली अभी भी दोस्तों पंजाबी जो हैं वो उनके 80% जो पहली दफ़ा है ना 80-90% ही समझ लें पंजाबियों के केस पास नहीं होते, ठीक है? जो पठान है अपने पाकिस्तानी है या अफगानी है उनके चांस होते हैं, वो भी इलाके पे डिपेंड करता है किस एरिए पे है ना, अपने अफगान पाकिस्तानी पठान जो है। तो जनाब रिजेक्ट हो गया, काम मैं कर रहा था इटालियन के साथ, काम मैं करता रहा, फिर रिजेक्ट जब केस होता है पहली दफ़ा तो फिर अपील करनी होती है अदालत में, दूसरी अदालत में। तो अपील की, फिर करते कराते जनाब मेरा तकरीबन कोई 10 साल बाद तकरीबन फिर मेरा इंटरव्यू आया दूसरा, समझ रहे हैं? साल तकरीबन साल हो गया था, साल से मतलब 2-1.5 माह वो 1.5 साल वो 6 महीने का जवाब आने में 2 साल और 3 साल हो गए हैं। तीसरा इंटरव्यू आया दूसरा इंटरव्यू देने जनाब गए हैं। काम शाम मैं सारा कर रहा था, ठीक था, मेरा जज बहुत अच्छा था जज ना, वो 100% लोगों को उस टाइम पेपर दे रहा था, मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा बस अब पेपर इंशाल्लाह मिल जाएंगे और जवाब बड़ी जल्दी आता था। बाजू का रिप्लाई बहुत लेट करते हैं, ये फैसला बहुत लेट करते हैं, साल साल 2-2 साल 3-3 साल लटकाए रखते हैं। तो जज जनाब जज के पास गए हैं, जज ने कोई स्टोरी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, उसने मेरे काम वाले डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसने सारी चीज़ें देखी हैं, कहता ठीक है, कुछ भी नहीं उसने, सिर्फ नाम शाम पूछा तुम्हारा ठीक है, स्टोरी वही है, कुछ चेंज तो नहीं किया तुमने? मैंने कहा नहीं, ठीक है जाओ। अब वो जज इतना अच्छा था, मुझे पता था हफ्ते 1.5 में जवाब आ जाएगा। जनाब इंतजार करते 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 16 माह बाद जाके जवाब आया, 16 माह बाद, समझे आप, सही है? 4.5 साल हो गए इधर ही, ठीक है तकरीबन, मुझे लगता है हाँ नहीं 4.5 थोड़ा कम था टाइम ना, तो इतना टाइम हो गया। अब जब जवाब आया तो जवाब आया रिजेक्ट। वो हुआ इस तरह था कि उस टाइम जनाब इटली का एक वजीरे दाखला आ गया था, बड़ा वो सख्त था, जो असाइलम वाले बंदे थे उनको पहले बड़ी आसानी थी दूसरे इंटरव्यू में पेपर मिल जाते थे, पर उस टाइम उसने पॉलिसी पता नहीं किस तरह की बना दी, वो हर बंदे को फेल कर रहे थे। फेल हो गया जनाब मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार जब लेट मैं हुआ था ना मेरा इंटरव्यू लेट जवाब लेट आया था, मैं उसी टाइम समझ गया, मैंने कहा काम खराब हो रहा है। फिर और जो लड़के मेरे से पहले इंटरव्यू उसी जज को दे के आए थे उनके रिफ्यूज होना शुरू हो गए, समझ आ गई थी। अच्छा, जब दोस्तों दूसरी दफा इंटरव्यू आपका फेल हो जाता है ना तो फिर अपील करनी होती है रोमा में, ठीक है? रोमा में अपील जनाब फिर की, और रोमा में जब बंदा अपील करता है तो उधर 5-6 साल लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने में, वो भी अगर हो जाए तो, नहीं तो वो भी कह सकते हैं नहीं जी आपकी स्टोरी सही नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप देख लें जितना टाइम लगता जा रहा है आप काउंट करते जाएं। अब मैंने उधर अपील कर दी है तो काम मैं कर रहा हूँ उसी बंदे के पास इटालियन के साथ ना। अच्छा, उस एक बात जो मिस हो गई है,
मैंने प्रोजेक्ट में ना तकरीबन 1.5 से 2.5 साल गुजारे हैं। तो मैं काम कर रहा था, फिर एक और कानून आया था उसी दौरान के जो बंदा काम करता है अगर उसकी आमदनी 1 साल के अंदर 5,000 यूरो से ऊपर हो जाती है पूरे साल की, तो फिर या तो वो काम छोड़ दे या फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दे, अपनी जो गवर्नमेंट ने रिहाइश दी हुई है वो छोड़ दे। क्योंकि इसलिए कि वो कहते हैं यार जो बंदा काम कर रहा है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कमा रहा है, खाए भी खुद, ये ना वो पाकिस्तानी सारे बेचता रहे ना। तो मेरा भी इसी तरह सीन हुआ, तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद ना मेरे पैसे जो है वो ऊपर हो गए। तो मुझे उन्होंने बुलाया प्रोजेक्ट वालों ने ऑफिस में कि तुम काम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं रिहायश छोड़ दूंगा, काम नहीं मैंने छोड़ना ना। मैंने फिर रिहायश रिहायश गवर्नमेंट की छोड़ दी, फिर मैं प्राइवेट लड़कों के साथ रहना शुरू कर दिया और उधर से मेरा सिस्टम सारा होता रहा। अच्छा, उसी दौरान फिर जब मेरा दूसरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया रोमा में, अपील कर दी, तो फिर पता है आपको कोरोना आ गया ना 2020 में, 20 के लास्ट में, मैंने शुरू में मेरे ख्याल में, हाँ, तो कोरोना आ गया, सारा कुछ बंद हो गया। मतलब इटली में जी, चाइना के बाद एक टाइम पे चाइना चाइना में सबसे ज्यादा बंदे जो है वो मर रहे थे, फिर इटली में सबसे ज्यादा जी बंदे मरने शुरू हो गए हैं जी। जगह ही नहीं मिल रही, कब्रस्तानों में सौ सौ बंदे को इकट्ठा दफना रहे हैं। इस तरह की वीडियोज आप लोगों ने भी देखी होंगी, हम भी इधर घर में देख रहे थे, क्वारंटाइन हो गए थे, बंदा बाहर नहीं था निकल सकता। 28 दिनों के लिए एक टाइम पे इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, फिर दो दो हफ्ते, डेढ़ डेढ़ हफ्ता, इस तरह करते कराते, मतलब बड़ा मुश्किल उस टाइम, बहुत मुश्किल हालात हो गए थे। एक तो काम नहीं था, पर ये है कि उस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की उन लोगों की जिनके काम छूट गए थे। गवर्नमेंट ने जनाब 4 दफा 400 400 यूरो, एक बार 4 दफा, मतलब 4 चौक 16 और 1200 एक दफा, 4 4 मतलब 400 400 यूरो 4 दफा एक दफा, और फिर 400 यूरो 3 दफा, मतलब 16 और 12 कितने होते हैं जी, 3,000 यूरो किस्तों में वो देते रहे थे हर महीने ना, 400 यूरो 500 यूरो इस तरह करते। मुझे भी इस तरह मिले थे पैसे, और जो बंदे प्रोजेक्ट में उस टाइम रहते थे ना गवर्नमेंट की रिहाइश में, उन्होंने भी अप्लाई किए, पैसे उनको भी आ गए थे। पर वो जब उनको पता चला ये तो गवर्नमेंट की रिहाइश पे रह रहे हैं और पैसे भी ले लिए, फिर उनको जुर्माना किया है, वो बहुत ज्यादा उनको 7 7 8 8 हज़ार यूरो जुर्माना आया हुआ है जो अभी वो किस्तों में अदा कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह पैसे भी मिल गए जो गवर्नमेंट ने हेल्प की थी। हमारा एग्रीकल्चर का काम था, हमने तकरीबन 15 20 ही छुट्टियां की थी, क्योंकि एग्रीकल्चर का अंगूरों का मैं काम करता था, उधर फसल पता है आपको खराब हो जाती है ना, तो 15 दिन तकरीबन हमने छुट्टियां की, पर जो गवर्नमेंट की हेल्प थी वो मिलती रही, हमने वो नहीं छोड़ी जनाब। अच्छा, वो करते कराते फिर जो बाहर से जो इमिग्रेशन ओपन होती है हर साल एग्रीकल्चर की, आप लोगों को पता होगा तकरीबन जनवरी से लेकर मार्च के किसी भी टाइम वो ओपन कर देते हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिर अदर कंट्री से बंदे बुलाते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए ना। तो वो कोरोना के दिनों में पता है सब कुछ बंद था, तो वो ये परेशान हो गए, किसानों की फसलें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं 1 साल को। तो उन्होंने बोला कि अब करें क्या, बंदे बाहर से तो आ नहीं सकते ना, हम बुलाएंगे जी, इटली के हालात ही पहले बहुत ज्यादा खराब है, हम क्यों बुलाएं बंदों को। तो फिर उन्होंने एक कानून बनाया एक के जो बंदे इधर असाइलम पे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्यों ना हम उनको ये काम दें और वो ये काम करें, इसकी बुनियाद पे हम उनको पेपर देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये कानून बना जनाब जी, इमिग्रेशन ओपन हो गई जी, इमिग्रेशन ओपन हुई जनाब, और उसमें मैं ऑलरेडी जो है वो एग्रीकल्चर के काम कर रहा था। अब किस्मत देखें आगे जाके मेरी ना, तो बहुत सारे बंदे थे इधर, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर नहीं बने, मेरे 2 इंटरव्यू फेल हुए, इस तरह बहुत सारे बंदे थे वो परेशान, रोमा में अपील लगी हुई है, बंदा करे क्या, काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, कोई होटल में कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर का कर रहे हैं पाकिस्तानियों के पास ना। तो जनाब करते कराते जो है वो इमिग्रेशन ओपन हुई, तो अनाउंसमेंट हुई जी फला तारीख को आप जमा करवा सकते हैं। तो मैं जिसके पास काम करता था, मैंने उसको पहले बोला हुआ था, बड़ा अच्छा बंदा था वो जनाब, उसने कहा टेंशन नहीं लेनी तूने, मैं तकरीबन 4 साल हो गए थे उसके पास ही काम करते हुए, उसने जनाब मेरे पेपर अप्लाई किए हैं, तो मेरा 1 रुपया नहीं उस टाइम लगा, कोई पैसा नहीं लगा, मैं आपको बोलूँ सही है।
तो मैं आप साथ आपको बता दूं कि जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी, जो इधर पाकिस्तानियों के पास काम करते थे, ठेकेदारों के पास, या उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, बहुत सारे बंदे फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानियों से या किसी बंदे से खरीद लेते थे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगा दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो दोस्तों 6-6, 7-7 हजार यूरो लोगों ने दिए हैं, और मेरे इस शहर पुरदनून में बंदों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। दो तीन ठेकेदार ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई जो है, अगर उनको वो 5 बंदों का अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये भी काम पे डिपेंड करता था ना कि बंदे के पास काम कितना है, फिर ये टैक्स कितना देता है। तो वो अगर 5 बंदों का अप्लाई कर सकते थे, तो उन्होंने 40-40 बंदों का अप्लाई किया हुआ था। तो इधर बहुत सारे मेरे जानने वाले बंदे जिनके अभी आके पेपर क्लियर हुए हैं, वो पेपर ही फंस गए थे, वो बंदे पैसे ले गए, पाकिस्तानी भाग गए हैं, मतलब 40 बंदों से उन्होंने अगर 50% किसी से पूरे पैसे ले लिए हैं, किसी से आधे ले लिए हैं, इकट्ठे करके, उनको पता था कि ये सिस्टम है ना, तो पैसे लेके वो भाग गए हैं। 2 बंदों को मैं जानता हूँ इधर ना, तो फिर ये हुआ उनके साथ कि पेपर ही नहीं थे बन रहे, उनका मालिक भाग गया जिन जिन जिसने काम देना था। तो बनते करते 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 अभी आके कुछ बंदे अभी भी हैं जिनके अभी तक 2020 के जमा करा हुए पेपर, वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं बन रहे। तो मैं अपना फिर आपको बताऊं, तो मेरा जनाब उन्होंने परफॉर्मर में बुलाया, मेरा बॉस मेरे साथ गया, मेरा दोस्तों कोई पैसा नहीं लगा। बहुत सारे बंदों का इधर मोस्टली जो इटालियन के साथ काम नहीं था करता, जो पाकिस्तानियों के साथ काम करता था, उन्होंने फिर भी उनसे पैसे लिए, हालांकि उनके बनते नहीं थे, क्योंकि आपके पास एक वर्कर ऑलरेडी काम कर रहा है, आपका कोई पैसा नहीं लगना। मेरे मालिक का, बॉस का, मेरे का कोई पैसा नहीं लगा, सही है, कोई उसका पैसा नहीं लगा। तो हमारे बंदे कमाई करते हैं, सही है। जो बंदे पूछते हैं ना यार, अलम मैंने वीडियो बनाई थी कि जो सीजनल वीजे ओपन होते हैं उनकी पैसे इतने के लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते, पर अपने बंदे पता है आजकल तो 40-50 लाख रुपया मांगते हैं, वो इसी तरह पैसे बनाते हैं। उनको पता है बंदा मजबूर है, बंदा फंसा हुआ है, पाकिस्तान में फंसा हुआ है या इधर फंसा हुआ है, उससे फिर वो मुंह मांगे पैसे लेते हैं। और लोग देते हैं यार, जब बंदे देखें इतना टाइम हो जाए पेपर ना हो, तो बंदा कहता है यार ए चांस हूं ना आया, पता नहीं फिर कभी आना है कि नहीं, क्योंकि 2012 में इमिग्रेशन ओपन हुई थी और फिर 2020 में हुई थी, 8 साल बाद। तो इसलिए बहुत सारे बंदों के पैसे जो है वो बर्बाद हुए हैं, बंदों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कईयों को मिले हैं। अब उन्होंने भी जब पुलिस को जाके बोला कि ये मसला हुआ है हमारे साथ, फिर उन्होंने इंक्वायरी की, बंदे पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके भाग गए। तो खैर दोस्तों, मेरा 1 रुपया नहीं लगा। जब डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो फिर जो है मैं शादी की है मैंने, और उसके बाद जनाब अपना शादी के बाद फिर मैंने जो भी सिस्टम होता है फैमिली को बुलाने के लिए, जितने खुद शुद्ध सालाना आमदन चाहिए होती है, वो मैंने पहले से पूरी की हुई थी, वो की है, और मैंने अपनी फैमिली का जो है वो वीज़ा अप्लाई किया है, तो वो भी लग गया, आपको पता ही, अब माशाल्लाह मेरा एक बेटा भी है। तो इस तरह जनाब करते कराते फिर जाके डॉक्यूमेंट्स मिले थे। अब दोस्तों जो बंदे पूछते हैं ना यार टाइम कितना लगता है, कोई बंदा नहीं आपको बता सकता मेरे जैसा, ये कोई भी बंदा यार आपको नहीं बता सकता, ये गवर्नमेंट का काम है, ये जज पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी स्टोरी अच्छी हो, आपको पहली दफा ही पेपर मिल जाए, पंजाबियों को भी पहली दफा मिल जाते हैं, मैं ये नहीं था कह रहा, पीछे 80% बंदों के समझ में फेल होते हैं, जो 20% उनको मिलते ही हैं। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और उस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि मुल्क की पॉलिसी क्या चल रही है उस टाइम ना। तो अभी की जो सूरत हाल है वो कुछ खास बदली नहीं है, तकरीबन उसी तरह ही है जैसी मेरे टाइम स्टोरी थी, उसी उसी तरह ही है। बंदे दो दो दफा भी फेल हुए हैं बंदे इधर, दूसरी दफा कईयों को मिल जाते हैं, नहीं तो दो दो दफा इंटरव्यू फेल हो गए हैं, नहीं डॉक्यूमेंट्स मिले, इंतजार कर रहे हैं, क्या करें वो। तो अभी इमिग्रेशन ये है कि 2020 के बाद भी 2 दफा मेरे ख्याल में इमिग्रेशन ओपन हुई थी, फिर उसके बाद एक और सिस्टम चला था डॉक्यूमेंट्स, मतलब इटली में दूसरी कंट्रीज की निस्बत बन जाते हैं आजकल ना, असाइलम के नहीं बने तो इमिग्रेशन ओपन हो जाती है। तो इस तरह करते कराते अब काफी आसानी हो गई है। तो ये जनाब मेरी स्टोरी थी अपनी के इटली में आके फिर। अच्छा दोस्तों, काम थोड़ा मैं बता दूंगा आपको यार। अच्छा, उसके बाद फिर दोस्तों मैंने एग्रीकल्चर का काम
छोड़ दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे काम में दोस्तों ये सारा साल काम नहीं होता, तकरीबन साल में आप समझ लें कि 4 महीने ये काम तो होता ही नहीं है ना। अंगूरों की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास काम करते हैं जिसका अंगूरों का भी बाग है, फिर कीवी का है, फिर सेबों का है, फिर एक सेब जान छूटती है, दूसरा तीसरा, फिर वो सर्किट चलता रहता है। पर मैं जिसके पास काम करता था उसका सिर्फ अंगूरों का काम था, तो वो साल में आप समझ लें अगर 8 महीने काम है, अकेला बंदा तो चलो ठीक ठीक है, सर्वाइव कर ही जाता है यार, पर जब फैमिली आ जाए ना तो फिर अखराजात बढ़ जाते हैं। तो खैर फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, फिर फैक्ट्री में, मैंने काफी फैक्ट्रीज में काम किया, वो उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं बड़ी ना। तो ये करते कराते जनाब इस तरह फिर हुआ, फिर उसके दौरान मैंने लाइसेंस भी किया, फिर सारा कुछ मतलब साथ साथ चलता रहता। जो बंदे पूछते हैं ना यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं, जब बंदा पटरी पे चढ़ जाता है ना तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ये बंदा सारे काम कर लेता है, जुबान सीखता है, लाइसेंस करता है, इनका सिस्टम पता चलता है, फिर काम बंदा एक छोड़ दूसरा, काम शाम हर चीज मिल जाती है। जो बंदे बड़े परेशान होते हैं यार वो पता नहीं इटली में काम लगेगा कि नहीं, असं तो सुने काम की हालात नहीं सही है, टेंशन ना लिया करो, यूरोप में सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तानी किसी मुल्क में आते हैं ना तो इटली में ही आते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के लालच में आए, डॉक्यूमेंट्स आते ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के लालच में, पर वो काम भी इधर करते हैं, ये नहीं है कि वो सिगरेट ला के सुते रहते हैं, काम इधर मिलता है, बस बंदे ऐसे ही कहते हैं जी काम के हालात। हाँ ठीक है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत इटली उस तरह नहीं है, पर यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। देखे मैं अब 4 साल उधर गुजारा था, 4.25 साल, तो क्या मिला मुझे, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीरो है बंदा ना। तो ये सिस्टम है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब अगला प्लान है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा किसी और वीडियो में कि नेक्स्ट मेरा यूरोप का क्या सिस्टम है, क्या प्लान मैंने सोचा हुआ है। तो दुआओं में जनाब याद रखिएगा, वीडियो आपको ये कैसी लगी है, पूरा पूरी ये वाली सीरीज जर्मनी से इटली तक और उसके बाद पाकिस्तान से जर्मनी तक, वो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें। दुआओं में याद रखिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।